अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल शब्बीर चारों पे। गाइस, फेसबुक मार्केटिंग की ट्रेनिंग हमारी जारी है और आज की इस क्लास नंबर 3 के अंदर ये देखेंगे कि कैसे हमने फेसबुक पेमेंट मेथड को ऐड करना है, कैसे हमने वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड को कैसे लिंक करवाना है फेसबुक पेज के ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि कैनवा के ऊपर एक फेसबुक पेज के लिए एक ऐड डिज़ाइन किया, फिर हमने उसे अपलोड करने के बाद उसके कीवर्ड सेट किए, उसकी एसईओ की, उसके बाद हमने रेलेवेंट ऑडियंस के अंदर टारगेट किया, फिर हमने उसको स्पेसिफिक एरिया में रहते हुए हमने उसे ऐड को रन करने के लिए तैयार कर लिया था। रह गया था हमारा बूस्ट करना। बूस्ट हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम फेसबुक पेमेंट मेथड को ऐड नहीं करते, और ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड। तो आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेशन के अंदर यही देखेंगे कैसे हमने एक वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड को लिंक करवाना है, ठीक है। जब हम लिंक करवा लेते हैं फिर हम उसे बूस्ट करते हैं तो हमारा ऐड रन हो जाता है। सो आज की इस वीडियो सेशन के अंदर यही देखने वाले हैं और यही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को तो कर लो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब का बटन हो गया काला तो काले बटन को जाके टिक 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 कर दो और लाइक पेज मतलब लाइक शेक भी मार दो, ठीक है। तो चलते हैं हम ट्रेनिंग सेशन की तरफ और विदाउट वेस्ट योर एंड माय टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम चल जाते हैं गूगल में, गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फेसबुक एड मैनेजर। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फेसबुक एड्स मैनेजर लिखने के बाद आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा शायद, और इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट इंटरफेस जो नज़र आएगा वो फेसबुक मेटा का इस तरह का कुछ नज़र आएगा, ठीक है। और आपने गो टू एड्स मैनेजर के थ्रू इसके ऊपर क्लिक कर देना, इसके अंदर एंटर हो जाना आपने, ठीक है। और यहाँ पे इसे छोड़ दें और यहाँ पे देखें, यहाँ पर आ जाए मेटा एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बिलिंग लिखा है, यहाँ पे बिलिंग भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, तो आप जो कहीं से भी इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर आ जाएंगे, पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसके ऊपर, यहाँ पे ज़रा देख लें आप, यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर देखें मेरा एक मास्टर कार्ड इसके ऊपर ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे ऐड करने के लिए ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, अब मेरा यहाँ पर ऑलरेडी मास्टर कार्ड ऐड है, ठीक है। तो हमें एक और करना है, अगर आप ऑप्शनल इसके ऊपर मल्टीपल 2-3 ऐड कार्ड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। इसके ऊपर 3-4 वीज़ा कार्ड लगा सकते हैं, मास्टर कार्ड लगा सकते हैं, यूनियन पे कार्ड और MX, मतलब जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग कार्ड है, अगर वो ई कॉमर्स यूज़ के लिए है या वो इंटरनेशनल यूज़ के लिए है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप उसके लिए इंटरनेशनल यूज़ के लिए उसकी एलिजिबल करवा सकते हैं कॉल करके हेल्पलाइन पर। अगर नहीं ऑलरेडी है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट करें अपने, और यहाँ पर देखें इस इंटरफेस के ऊपर नेम ऑफ कार्ड, मतलब कार्ड का नाम नहीं, मतलब आपने बैंक का नाम लिखना, नाम जो आपके कार्ड के ऊपर लिखा है ना, ATM डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ठीक है, उसका नाम लिखना आपने। लाइक मेरा वो जी फैसल बैंक है, तो FASAL फैसल BANK बैंक, लाइक मैं ये लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं 16 इंचों का अपना डेबिट कार्ड नंबर लिखूंगा, ठीक है। तो ये मैं अपना नंबर लिख देता हूँ फॉर द एग्जांपल, ठीक है, ये मेरा नंबर लिखा गया। यहाँ पर आपने एक्सपायरी में लिखना है मंथ और ईयर, तो कार्ड के ऊपर ही एक मंथ का और ईयर का लिखा होता है एक्सपायरी वाला, वैलिड थ्रू लिखा होता है। तो वैलिड थ्रू जो होता है, जो वो एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी थ्रू कहाँ तक आपका दूसरा जो होता है ना, पहला जो होता है कहाँ से शुरू हुआ आपका और बाद में जब कहाँ पर ख़त्म होगा, जो जहाँ पर ख़त्म होता है वो आपने यहाँ पर पुट करना है कि महीना कौन सा होगा। वो मैं कहता हूँ दूसरा महीना मेरा ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पर मैंने स्लैश देनी, जैसे कि ऊपर MM के बाद स्लैश है तो इसी तरह स्लैश दे के यहाँ पर आपने ईयर का कर देना, 22 या 25 में, जो जहाँ भी ख़त्म होना था, 25 में मेरा ख़त्म हो रहा है। तो CVV जो कि कार्ड के पिछली साइड पे 3-4 हिंसों जो नंबर होता है ना, वो यहाँ पर आपने आप देना होता है, ठीक है। वो कोई भी कुछ भी लिखा आपके कार्ड के ऊपर सिक्योरिटी होती है, वो बड़ी एहसास किस्म की सिक्योरिटी होती है, तो वो आपने यहाँ पर देनी होती है, ठीक है। तो आप अगर इसको लगा के देखें, यहाँ पे मेरा कोई इस तरह का कार्ड नंबर मैंने रैंडमली इसके ऊपर नंबर ऐड किया, ठीक है, तो ये कोई कार्ड एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं एक डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड इसके ऊपर आप करने के बाद, अपनी डिटेल्स पुट करने के बाद इसके ऊपर सेव कर देंगे, क्योंकि मैं इसके ऊपर अपना नया कार्ड ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरा एडेड है। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर आपने फैसल बैंक का लिखना, ठीक है, अपना बैंक का नाम नहीं लिखना, सॉरी, आपने यहाँ पर अपने खुद का नाम लिखना जो आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूँ, इसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है जो आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा। लाइक मेरा नाम शब्बीर अहमद है, जो भी आपके कार्ड के ऊपर मोहम्मद शब्बीर अहमद है, वैसे तो मोहम्मद भी लिख सकता है लेकिन खैर आपको बताने के लिए शब्बीर अहमद लिख दिया, तो शब्बीर अहमद आएगा, आपका अपना नाम आएगा जिसका कार्ड होल्डर होगा, जो कार्ड होल्डर होगा उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा आपका। पेमेंट मेथड ऐड होने के बाद आप इसके ऊपर कंपेन कर सकते हैं, ठीक है। कंपेन कैसे, आपको मैंने तरीका बता दिया लास्ट वीडियो के अंदर, कैसे हमने वो ऐड बनाया, ऐड बनाने के बाद उसे कैसे फिर अपलोड किया, फिर उसकी कैसे हमने कीवर्ड सेट की, एसईओ की उसकी, और फिर उसको कैसे हमने टारगेट किया, किस ऑडियंस में करना है, कौन सी रेलेवेंट और लोकेशन में करना है, तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। होपफुली आपको इस वीडियो को भी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।